Good morning, students. How are you? I hope all of you are safe at your home. Myself, Shalini Chhabra, your English teacher. जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपके स्कूल स्प्रिंग डेजी कॉन्वेंट स्कूल से आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ. आज का हमारा टॉपिक है नाउन केस. लेट अस रीड आवर टॉपिक. नाउन केस. नाउन केस जानने से पहले, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि नाउन क्या होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा पहले रीड करते हैं कि नाउन क्या होता है. नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, या हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हम जब उनको नाम दे देते हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग हो, तो वह नाउन होता है. हिंदी में हम जिसको संज्ञा बोलते हैं. तो अब हम आज पढ़ेंगे कि नाउन के केस क्या होते हैं. अ नाउन में बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जो नाउन है वो कैसे कैसे यूज हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह, और टू एक्सप्रेस पोजिशन और पोजेशन. पोजेशन क्या होता है हमारा, जिससे हम स्वामित्व, जिस चीज़ पर हमारा अधिकार होता है, जो चीज़ हमारी होती है. टू एक्सप्रेस पोजिशन, पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. दिस इज़ हाउ वी कैन डिटरमाइन वेदर द नाउन इज इन नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव. को इसके द्वारा हम डिटरमाइन करेंगे कि जो नाउन है वो नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है या पोजेसिव केस है. देर आर थ्री केसेस, थ्री केस होते हैं नाउन के. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज पोजेसिव केस. अब हम जिसके बारे में सबसे पहले जानेंगे वो क्या है, हमारा नॉमिनेटिव केस. क्या होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम कर्ता कारक भी बोल सकते हैं. कर्ता कारक का मीन्स ये होता है कि जो कार्य कर रहा है कर्ता, कर्ता सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, तो कर्ता कारक. नाउन इज सेट टू बी इन नॉमिनेटिव केस. नाउन को कब कहा जाता है नॉमिनेटिव केस में, वैन इट इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जब वो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज होता है, तब हम उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं. एग्जाम्पल, आरव प्लेड वेल यस्टरडे. आरव जो है वह अच्छा खेला था कल, ठीक है, वह कल अच्छा खेला था. तो अब आरव जो है, आरव हमारा क्या है यहाँ पे, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, या तो उसके अंदर नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. तो अब हमें ये देखना होता है कि इसके अंदर कर्ता मतलब कार्य करने वाला कौन है. तो आरव क्या है हमारा, सब्जेक्ट है. प्लेड क्या है हमारा, वर्ब है. वेल यस्टरडे, इसके अंदर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर आरव हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्लेड ये क्रिया करी कि आरव खेला था कल. तो कौन खेला, आरव खेला. तो आरव क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. और एक और जो पहचान होती है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की, वो ये होती है कि जो हमारा वर्ब होता है उससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. जब कोई भी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है तो वो कौन सा केस बन जाता है, नॉमिनेटिव केस. तो ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस. अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको और भी जल्दी समझ आएगा. प्रिया इज डांसिंग. अब प्रिया डांस कर रही है, तो डांसिंग क्या हो गया हमारी वर्ब, क्रिया. प्रिया क्या हो गई हमारी, संज्ञा, नाउन. तो अब इसके अंदर ये देखना है कि कर्ता मतलब कार्य करने वाला कौन है, डांस कौन कर रहा है, प्रिया कर रही है. तो प्रिया हमारी क्या है, नाउन तो है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. तो प्रिया हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट. तो जब कोई भी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है तो वो कौन सा केस बन जाता है, नॉमिनेटिव केस. सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस. जब हमारा जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह यूज होता है, तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. अब इसको देखिए कैसे पता चलेगा आपको. एग्जाम्पल, ऋषभ लव्स चॉकलेट. ऋषभ क्या है हमारा, सब्जेक्ट, नाउन है ये भी. लव्स क्या हो गया, वर्ब, क्रिया. चॉकलेट, चॉकलेट क्या है, ये भी तो एक नाउन है, क्योंकि थिंग जो होती है नाउन, उसमें थिंग भी तो आती है, पर्सन तो आता है नाउन के अंदर, लेकिन थिंग भी आती है. तो ऋषभ क्या हो गया, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. अब हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कौन सा है. ऋषभ है हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और चॉकलेट है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. इसकी एक पहचान, क्योंकि ये क्या आ गया हमारा,
हमारा ये है वर्ब, तो वर्ब से पहले जो हुआ संज्ञा हुई वो हो गया सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब से पहले जो नाउन हुआ वो हो गया सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और वर्ब के बाद जो नाउन हुआ वो हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसका हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सौरभ गेव अवार्ड टू प्रिया। अब देखिए सौरभ क्या है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये भी हमारा नाउन ही है, ठीक है। गेव हमारी वर्ब क्रिया है, अवार्ड दिया प्रिया को, ठीक है। अब अवार्ड क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब टू प्रिया, अब प्रिया भी ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, वो हम जानेंगे यहाँ से। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर सभी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे पेन, पेंसिल, बॉक्स, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होते हैं जिसके अंदर सब लिविंग थिंग्स होती हैं, कोई भी ह्यूमन बींग, बर्ड्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमें कैसे पता चलेगा क्या है ये, सौरभ तो हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये हो गई हमारी वर्ब, अवॉर्ड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और प्रिया भी हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है। लेकिन इसमें अंदर अंतर ये है कि जो अवॉर्ड है वो नॉन लिविंग थिंग है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो प्रिया है वो लिविंग थिंग है तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और सौरभ क्या हो गया है, तो ये भी क्रिया, सॉरी ये भी नाउन है, अवॉर्ड भी नाउन है, प्रिया भी नाउन है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कौन सा है, सौरभ तो हमारा वर्ब से पहले आ गया तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद ही हमारे पास अवॉर्ड आया जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब प्रिया, प्रिया भी वर्ब के बाद आ रही है और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों आप इतने ये देखिए, किंग जो है वो दयालु है, जैसे तो क्यों कौन है दयालु, किंग्स काइंडनेस की हमने
formation of possessive